अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। दोस्तों आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये इसमें मसला ये है दोस्तों कि इसका नेटवर्क नहीं आ रहा था दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि इसका जंपर किया है। ये देखो यहाँ से ये वेस कटी हुई थी, ये देखो यहाँ से भी ये कट हुआ था और यहाँ से भी ये कट हुआ था, तो हमने डायरेक्ट इसी को देखो ये वेस को डायरेक्ट यहाँ से जंपर किया है। ये वेस यहाँ आए हुए थे तो रास्ते में जो है ये देखो ये कटी हुई थी दोस्तों, और ये यहाँ से कटा हुआ था, ये यहाँ से कटा हुआ था, तो हमने दोस्तों इसको जंपर किया है। और अभी दोस्तों देखते हैं इसमें सिम डाल लेते हैं और इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो नेटवर्क ना आने का, तो देखते हैं कि वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो हम दोस्तों भी मोबाइल को जो है ऑन करते हैं और फिर चेक करा के आपको दिखा देते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है इसी से सॉल्व हुआ है। नहीं होगा तो फिर दोस्तों और हम चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों अभी भी इसने जो है सॉरी हमारा मोबाइल बंद हो गया, दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों दोबारा से हमारा मोबाइल ऑन हो गया। दोस्तों इससे पहले आपने अगर हमारा नूर मोबाइल रिपेयरिंग को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो ये देखो दोस्तों अभी भी जो है इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम इसकी आपको डिटेल अभी बता देते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और दोस्तों हमको तो पता चल गया कि पावर आईसी से हमारा लाइन जो है वो ओके आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं इसको बीप बजर के साथ। तो ये देखो यहाँ इन दोनों पे जो है हमारा बीप बज रहा है, आप सुन सकते हो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों हमारा बीप, ये देखो ये बज रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है दोस्तों, मैं आपको इसकी इसका एक तरीका बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से जो है हमको समझ रहा है, हम समझ रहे हैं कि हमारा वेज जो है ये ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ हम तो समझते हैं कि हमारा ये वेज ठीक है, लेकिन ये देखो ये बीप कर रहा है, यहाँ देखो ये हमारा वेज ठीक आ रहा है। तो दोस्तों अभी ये देखो ये तो आपने देख लिया कि हमारा ये वेज यहाँ से जो है ठीक आ रहा है। ये देखो यहाँ हम ये बीप रखते हैं तो ये देखो ये सारा वेज ठीक आ रहा है। तो अभी दोस्तों आपने क्या करना है, ये हमारा ये जो सिस्टम है ये यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट है, ये देखो दोस्तों। और अभी ये ग्राउंड से हम हटा देते हैं, तो देखो दोस्तों इसको अभी हम ग्राउंड से अलहदा कर देते हैं। ये देखो दोस्तों अभी ये देखो हमने ग्राउंड से इसको अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया दोस्तों। अभी इस पे हम बीप चेक करते हैं, ये देखो दोस्तों अभी यहाँ हमारा कनेक्टर बीप पे है, सॉरी मीटर, हमारा मीटर बीप पे है, लेकिन अभी जो है हमारा यहाँ कोई बीप नहीं है। जो इससे पहले इस यहाँ बीप आ रहा था इस ग्राउंड के साथ, ये देखो ये हमारा ग्राउंड एरिया है, तो इसी के साथ ये टच था तो यहाँ इसलिए बीप आ रहा था। अभी दोस्तों आपने इसी लाइन को चेक करना है, ये देखो ये लाइन जो है कहाँ तक कनेक्ट है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। अभी इसको चेक करते हैं, ये देखो दोस्तों हमारा ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। अभी एंटीना के इस पार देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों ये देखो यहाँ से तक हमारा लाइन कनेक्ट है। और यहाँ चेक करते हैं,
तो ये देखो दोस्तों, यहाँ हमारा लाइन इस आईसी से जो लाइन निकलता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा लाइन यहाँ कनेक्ट है ये देखो, लेकिन इसी के साथ यहाँ कनेक्ट नहीं है ये देखो दोस्तों, इसी के साथ ये बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको किस तरह कनेक्ट करना है दोस्तों, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो हमारे आईसी से ये वेज निकला हुआ है ये नेटवर्क का, तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, और इसके दरमियान दोस्तों यहाँ एक प्यूज़ लगा हुआ होता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ इसमें प्यूज़ लगा हुआ होता है, वो यहाँ से डिसकनेक्ट हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बीप आ रहा है, और यहाँ से ये वेज जो है हमारा ओके है यहाँ तक, लेकिन इसके दरमियान से एक प्यूज़ जो है वो ख़त्म हो गया है, वो किसी ने हटाया है, तो इसलिए यहाँ बीप नहीं आ रहा है। जैसा ही हमने ये ग्राउंड से ये अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया, तो हमको पता चल गया कि हमारा लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ओके है, लेकिन इसके दरमियान ये यहाँ छोटा सा फ्यूज़ लगा हुआ होता है, तो वो कट गया है, वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जंपर कराऊंगा। देखो अभी मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ से यहाँ जंपर लगाऊंगा, ये इसको शोल्डर वायर से कनेक्ट करूंगा। ये दो पॉइंट देखो, ये यहाँ से आया हुआ है, और ये जो है यहाँ से एंटीना के साथ ये लाइन कनेक्ट है। तो ये लाइन, ये दोनों आपस में हमने कनेक्ट करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में कनेक्ट करना है। फिर जो है सिग्नल को चेक करना है कि हमारा सिग्नल आ रहा है कि नहीं, और फिर ये जो हमारा ग्राउंड है ये भी कनेक्ट करना है आपस में। सबसे पहले मैं इसको जो है दोस्तों कनेक्ट करता हूँ आपस में। तो फिर देखो मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये लाइन हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये देखो यहाँ से ये दो लाइन, ये जो है ये खास, ये हमने जो है कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हो कि ये आपस में कनेक्ट है। अभी दोस्तों मैं आपको इसके ऊपर हम रख कर अभी यहाँ ये देखो कंटिन्यूटी यहाँ तक आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये यहाँ तक बिल्कुल हमारा पॉइंट जो है वो इस आईसी के पॉइंट से, ये देखो इस आईसी के पॉइंट से यहाँ हमारा ये जो ये देखो यहाँ हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ तक वैल्यू आ गया है, यानी बीप आ गया है। तो अभी दोस्तों हम ये ग्राउंड जो है इसको भी आपस में कनेक्ट करेंगे, और फिर जो है आपको नेटवर्क चेक कराएंगे दोस्तों कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस ग्राउंड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। आपने दोस्तों ये ग्राउंड सही से यहाँ आपस में जो है कनेक्ट करना है। ये देखो हमारा ये जो है ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है। ये देखो ये भी ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया है, और अभी इसमें दोस्तों सिम लगा हुआ है, तो हम इसको अभी चेक करते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अभी हम दोस्तों हमने सिम लगाया हुआ है, तो इसकी चेकिंग कराएंगे आपको, इसको हमने जंपर करके अभी आपको इसकी चेकिंग कराएंगे, और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है सिग्नल ना आने का वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो मैं भी मोबाइल को ऑन कर देता हूँ। देखो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है वो सक्सेसफुली ऑन हो गया है, और अभी चेक करते हैं कि हमारे मोबाइल पर जो है वो सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो सिग्नल का प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है, और जंपर करके दोस्तों हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आपने भी इस तरह इसको चेक करना है सबसे पहले, और बाद में इसको जंपर करना है इसी तरह जो मैंने बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपने हमारा नूर मोबाइल रिपेयरिंग को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और बिल का आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।